हेलो फ्रेंड्स, ऑल अबाउट गॉड में आप सब लोगों का स्वागत है। मैंने आज त्रिपुरा सुंदरी देवी को बनाया है। पहले मिट्टी से माँ की पूरी मूर्ति को मैंने बना लिया है और इसको सुखा लिया है धूप में। अब इस मूर्ति में जो दरार दिख रहे हैं, इसको मैं ढकने के लिए मिट्टी का एक पेस्ट बनाया हूँ, पानी से थोड़ा सा ठीक करके। और अब मैं इसमें फेविकॉल का जो ग्लू होता है, वाइट ग्लू, उसको मैं इसमें डाल के अच्छे तरह से मिला लूँगा। इससे मैं पूरी मूर्ति के ऊपर एक परत चढ़ाऊँगा, जिससे पूरी मूर्ति का जो दरार और जो टूटे फूटे जो हिस्से हैं वो पूरी तरह से ढक जाए। और जो लूज पार्ट्स है, जैसे कि ये मैंने मिट्टी से बॉल बनाया है और कोमल के फूल के जो पंखुड़ी है, ये सब एक जगह में स्टिक कर जाएंगे और सारी दरार ढक जाएंगे। तो मैंने पूरी मूर्ति के ऊपर इसको अच्छी तरह से लगा दूंगा। बाद मैंने उसे अच्छी तरह से धूप में सुखा लिया है। अब मैं आर्टिस्ट वाटर कलर का जो वाइट कलर होता है उसको लेके इसमें थोड़ा सा फैब्रिक एक्रेलिक कलर वाइट, उसको मैं लूँगा। और इसमें फेविकॉल जो वाइट ग्लू होता है उसको भी डाल के थोड़ा सा पानी दूंगा। इसमें थोड़ा ज़्यादा एक ग्लू लगेगा, जिससे ये पूरी रंग को बाइंड करके रखे। और अब पानी लेके अच्छी तरह से इस पेस्ट को मैं मिक्स कर लूँगा। और अब इस पेस्ट को थोड़ा सा पतला होगा, ये इस पेस्ट को मैं पूरी मूर्ति के ऊपर एक बेस कोट की तरह लगा दूंगा। इससे दो फायदा हो गए हमको। एक, वाइट कलर की वजह से हमका जो मूर्ति का जो बेस कोट होता है वाइट, वो हमको मिलेगा। और फेविकॉल ग्लू की वजह से ये मूर्ति और भी कड़क बन जाएगी और सारी लूज एंड्स पूरी तरह से स्टिक कर जाएगा और हमको रंग करने में आसानी होगी। तो अब मैंने कलर लगाना शुरू कर दिया है मूर्ति के ऊपर। का जो सिंहासन है इसको बेस कलर मैंने ब्लैक किया है, जिसके ऊपर मैं जब पर्ल कलर लगाऊंगा वो अच्छी तरह से स्टिक करे। मैंने बैकग्राउंड को महल के अंदर का लुक दिया है और सिंहासन के नीचे जो त्रिदेव है उनका मैंने मूर्ति हाथों से पेंट किया है। मैंने गहने के लिए
छोटी बॉल चेन और स्टोन का यूज़ किया हूँ। पूरी मूर्ति और बैकग्राउंड में आप आल्पना की डिज़ाइन गौर कर सकते हैं। पूरी साड़ी और गहने के लिए मैंने बॉल चेन और स्टोन का यूज़ किया हूँ। अब ये जो फैब्रिक का पर्ल डस्ट होता है गोल्डन सा, और ये मीडियम है, इन दोनों को लेके मैंने मिक्स करके गोल्ड का एक पेस्ट बना लिया हूँ। अब इस पेंट को मैंने ये सिंहासन के ऊपर ज़रा सा स्प्रिंकल कर दूँगा, जिससे नीचे का जो ब्लैक है वो उभर के आए और गोल्ड का अच्छी एक फिनिश है। मैं हाथ में शस्त्र दूंगा, इसके लिए मैं ये फैब्रिक ग्लू है, ये बहुत स्ट्रांग होता है, ये मैंने यूज़ किया हूँ। ये पाश है, इसको मैं जरी से बनाया हूँ, और छोटी बॉल चेन और स्टोन से अंकुश बनाया है, इसको भी ग्लू की मदद से चिपका दूंगा। ये बहुत स्ट्रॉन्ग ग्लू होता है, आप फेविकॉल या फेविक्रिल दोनों कंपनी से ही खरीद सकते हैं। और उसी तरह से ही तीर बनाया है, इसको भी ग्लू की मदद से चिपका दूंगा। इसमें मैं एल्युमिनियम फॉइल का भी यूज़ किया हूँ और धनुष है, इसको भी छोटी बॉल चेन स्टोन और जरी से मैंने बनाया है। अच्छी तरह से चिपका दीजिए। और अब मैंने मुकुट में एल्युमिनियम फॉइल से बने चंद्रमा को काट के यहाँ पे चिपका दूंगा, और महादेव के सर में भी, जटाओं में भी ऐसी चंद्रमा को काट के लगा दूंगा। और उसी तरह से त्रिशूल भी बनाया है, इसको सिंहासन के साइड में चिपका दूंगा। तो ये आपका माता त्रिपुरा सुंदरी या देवी सुरसी जो भी कहिए तैयार। थैंक्स फ्रेंड, थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड वॉच ऑल ऑफ माई वीडियोज़।